Good evening to all. I'm here to talking about our Fagwada community. So first of all, I describe the achievements of our Fagwada and the history of Fagwada. Okay, सबको ये misconception है कि जो हमारा फगवाड़ा है उसको ये नाम हमारे गुरुजी श्री हरगोबिंद जी ने दिया है, लेकिन जो सबसे पहले हमारा फगवाड़ा है उसको जो पुराना एक सबको पता है जो किंग है जो है शाहजहां, जिसने ताजमहल को बनाया था, उसने सबसे पहले हमारे फगवाड़ा को रिकॉग्नाइज किया. सो उसने इसको बनाया था एज फॉर द मार्केट प्लेस. उसने इसको एक मार्केट की तरह डेवलप किया था क्योंकि ये बहुत ही दो मेजर सिटीज लुधियाना एंड जलंधर के बिल्कुल सेंटर में है. सो जो आसपास के एरिया के लोग हैं इसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आना जाना बहुत इजी था. सो दैट्स व्हाई उसने इसको एक मार्केट प्लेस की तरह से डेवलप किया था. सो उसके बाद 1635 में, मतलब 1635 ईस्वी में, जब यहाँ हमारे गुरुजी आए, उसने उस मुगल राजा को हराया और उसके बाद जब वो यहाँ पे आए तब उन्होंने इस जगह को नाम दिया फगवाड़ा. लेकिन उससे पहले जो इसका नाम था फगवाड़ा शारकी, सो जो कि सिर्फ एक लिमिटेड एरिया था, जो सबको पता है कि हमारा सुखचैन साहब गुरुद्वारा वाला एरिया, सो ये सिर्फ तब तक वहाँ तक ही लिमिटेड था और वहाँ पे सिर्फ फार्मिंग की जाती थी. हमने रिसेंटली देखा कि हमने लोहड़ी का त्योहार हमारे सभी बड़ों ने मिलकर मनाया, सबने डांस किया साथ में और सबने बहुत ज्यादा इंजॉय किया. एंड उसके बाद हमने बसंत पंचमी का फेस्टिवल भी साथ में मनाया और होली का त्योहार भी, जहाँ पे सारी लेडीज ने बहुत सा इंजॉय किया. एंड द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ आर इंडियन लेडीज, तिया का त्योहार भी सबने लोगों ने, लेडीज ने और बच्चों ने बहुत उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया और हम सब ने इंजॉय किया और इससे हमारा बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, आई थिंक सो. सो नेक्स्ट इसकी हमारा, इसकी वजह से हमें जो हमारा एरिया गूगल पे साइन इन बिल्कुल नहीं था. अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते थे हमारे एरिया के बारे में तो कुछ भी नहीं था उसके बारे में, लेकिन रिसेंटली इसी वजह से हमारा मोहल्ला गूगल पे भी साइन इन हो गया है विद द 5-star रेटिंग. सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आर एरिया. सो अब हम समझ रहे हैं कि हमारे एफर्ट्स की वजह से, हमारे ग्रीन पॉइंट एफर्ट्स की वजह से हम भी अब, हमारी भी काउंटिंग होने लगी है फगवाड़ा में, जो कि पहले कोई भी नहीं जानता था. सो हमारा ग्रीन पॉइंट का किसी का भी कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है. सब चाहते हैं कि सब मिलजुल के एक दूसरे के लिए काम करें और सबका जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बढ़े. सो आई विश कि आप सब लोग ऐसे ही मिलकर काम करते रहेंगे और हम अपने एरिया को और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे और जो हमें पूरे फगवाड़ा में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे इंडिया में रिकॉग्निशन. तेरी नदियों में बह जाऊं
अरे अफ्सरा, ओ भाई,
अरे भाई, दिमाग की शांति सेल्फी से कहीं ऊपर है। बात करो मम्मी से, बात करो पापा से, लेकिन फोन से दूर रहो। हमारी सिर्फ एक ही जिंदगी है, फोन पे नहीं गुजारनी है, हमें अपनी भी लाइफ एंजॉय करनी है। क्या पहले लोग नहीं थे? लोग थे, लेकिन सेल फोन नहीं थे। अरे छोड़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रदीप, आई स्टडी इन यूकेजी बी क्लास, आई एम अलादीन, माय कम फ्रॉम डिज्नीलैंड। जब मैं छोटा बच्चा था, चिराग से खेला करता था, टीचर ने मुझे बताया, बड़े प्रेम से मुझे समझाया, ये है आज कल का चिराग। घूम सकते हो पूरा संसार, मुझे भी चाहिए आधुनिक शिक्षा, पढ़ना लिखना मुझको बाता, जीवन बगिया को बहकाता, अक्षर ज्ञान बड़ा अनमोल, जगह जगह पर पीटो ढोल। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, मेरा हो गया मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा। Oxygen, and without this oxygen we cannot imagine the extent of the earth or life. Trees are important part of the life biosphere that exists on earth. They provide shade to man and animals. Trees are home numerous birds, insects, animals. They prevent droughts and thus rainfall. They help in checking environmental pollution like air pollution, soil pollution, etc. And trees also are a natural medium to prevent soil erosion. They give us oxygen to breathe in and observe the carbon dioxide, so we should promote forestation. Wood is the most valuable product that trees give us. We use wood. Wood is many ways. Wood is the use of fuel and firewood. Trees help in maintaining of fertility of soil. They add the natural beauty. It is prime need for us to plant more and more trees. Trees are valuable natural resource. We should conserve them. We should promote afforestation. This is good for the benefit of society. Thank you.
ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
बेटा अपनी गाड़ी में कचरा क्यों फेंका है? चलो इसको बाहर फेंको, मुझे मेरी गाड़ी साफ चाहिए। ओके पापा। स्टॉप सिग्नल। नॉक नॉक। चिप्स लेंगे सर? पापा, बेटा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि गाड़ी में कचरा नहीं फेंकना, मुझे मेरी गाड़ी साफ चाहिए, चलो इसको बाहर फेंको। पर पापा, सेल्फी कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं होती। तो भी इसको बाहर फेंको। ओके पापा। स्टॉप सिग्नल। ये लो बाबूजी। ये क्या है? ये आपका कचरा है जो आपने सड़क पर फेंका था, ये हमारी सड़क है, इसे गंदा मत करो। देखा पापा, मैंने आपको कहा था ना कि सेल्फी कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो बात पते की, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो बात पते की, सुनो सुनो। अरे पर मुझे देख तो नहीं था, सारा कचरा बाहर ही फेंक रहा। जोर से बोलो। तन्वी जी। मम्मी, आपने अपने रूम में इतना कचरा क्यों फैलाया? चलो मेरी मदद करो तो साफ करने में। अरे मम्मी, आपने वेट कचरा ड्राई कचरा इकट्ठे क्यों फेंक दिया? ये वेट कचरा ड्राई कचरा ये क्या है? वेट कचरा मतलब जो सब्जी और फलों के छिलके होते हैं जिनसे हम खाद बना सकते हैं, और ड्राई कचरा मतलब जो चीजें हम रिसाइकल कर सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक और पेपर। ठीक है बेटे, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो बात पते की, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो बात पते की, सुनो सुनो। तो देखा आप सबने कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम भी जिम्मेदार हैं। हमारा प्रयास इस अभियान को सफल बना सकता है। हमारा प्रयास स्वच्छ का प्रयास, हमारा प्रयास स्वच्छ का प्रयास। धन्यवाद। Thank you.
ਸੁਣਦਾ